हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानिएगा कि अगर आप अपना तहवील अल रजी बैंक एप्लीकेशन का यूज़र नेम या पासवर्ड भूल गए हैं और आप अपना तहवील अल रजी बैंक अकाउंट अपने मोबाइल पर ओपन नहीं कर सक रहे हैं, तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से दोबारा अपने तहवील अल रजी बैंक एप्लीकेशन चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तो ही आप अपने अकाउंट को रीओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूज़फुल टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके दोस्तों, इसी तरह से अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना तहवील अल रजी का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद दोस्तों, अभी इसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने का रहता है, लेकिन हमें अपना पासवर्ड याद नहीं है, हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। तो अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ फॉरगेट, इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर अगेन पर क्लिक करेंगे। अभी आपको अपना कामा नंबर डालने का है, सेकेंड अपना कार्ड नंबर डालना है, और थर्ड में आपको कार्ड नंबर का जो आपका पिन कोड रहता है 4 डिजिट का, उस पिन कोड को यहाँ पर डालना है। तो ओके, मैं अभी अपना डिटेल सबमिट कर देता हूँ। पहले डाल देता हूँ अकामा नंबर, इसके बाद कार्ड नंबर, कार्ड नंबर के बाद में दोस्तों उसका पिन नंबर डालने का भी, कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों अभी पिन नंबर डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में आई एग्री पर रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी आपके नंबर पे ओटीपी आएगा दोस्तों, उस ओटीपी को यहाँ पर डालने का है। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं अपना ओटीपी भी डाल देता हूँ, 7025। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों, आप सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालने का है, तो जो आपको यूज़र नेम डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। यूज़र नेम डालने के बाद पासवर्ड डाल देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान दिया दोस्तों, इसमें आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का रहना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर भी आपका होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, तो मैं अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद रिपीट पासवर्ड के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, मेरा भी एप्लीकेशन जो है रीओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड डालूँगा तो मेरा एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। चलिए, मैं डाल कर चेक कर लेता हूँ ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले डालते हैं यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अभी मुझे ओटीपी आ गया बैंक से, 9099040। मैं ओटीपी में फिल कर देता हूँ, 9040। ओके दोस्तों, आप देख सक रहे होंगे मेरा अकाउंट जो है रीओपन हो चुका है। आई होप दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप तहवील अल रजी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसे दोबारा से कैसे रिकवर करके अपने एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके लिए कोई भी इंटरेस्टिंग यूज़फुल टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।